हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज के इस वीडियो में लाया हूँ वार्षिक मूल्यांकन 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य है, जो आपका विषय है पर्यावरण अध्ययन हिंदी माध्यम के लिए कक्षा 5 खंड अपना बाह है। तो इसमें अपन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका वार्षिक पेपर चल रहा है क्लास 5 के, उसी की वर्कशीट में आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पर शाला का नाम लिख लेना है, जो भी आपकी शाला का नाम है। यहाँ पर आपको डाइस कोड लिखना है। डाइस कोड आपको मालूम नहीं होगा तो आपको क्या करना है, अपने टीचर से मालूम करके डाइस कोड लिखना है। यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है, और यहाँ पर शब्दों में और यहाँ पर अंकों में। अगर आप पे भर्ती नहीं बन रहा है तो नीचे देखकर एग्जांपल दिया गया है कि आपको कैसा शब्दों में भरना है और कैसा अंकों में भरना है, तो इसे देखकर आप भर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अपनी वर्कशीट पर। देखिए, कुछ मूल्यांकन उपयोग हेतु दिए गए हैं, इसको दिनांक डालनी है, इसमें इन मूल्यांकनकर्ता के कार्य डालने। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करेगा आपका टीचर करेगा। कौन करेगा? टीचर। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से वर्क प्रारंभ करें, यहाँ से अपना काम चालू होता है। अपना प्रश्न है, आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग के स्टडी दिए गए बिंदु के आधार पर कीजिए। तो देखिए, आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, अगर आप अपना HD क्वालिटी में देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा साफ दिखेगा। ठीक है ना, थोड़ा आप लो क्वालिटी में देखेंगे तो थोड़ा धुंधला दिखेगा, अगर HD में देखेंगे तो पूरा साफ दिखेगा। तो अपन देखेंगे, नाम सोहन, पिता राम प्रसाद, परिवार से सोहन की परवरिश बहुत ही निम्न ढंग से हुई है, क्योंकि सोहन दिव्यांग है था तो उसका कारण परिवार आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण सोहन की देखरेख नहीं हो पा रही थी, लेकिन उनके माता पिता सोहन से बहुत प्यार करते थे। इस तरह अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसका नाम वगैरह ये सब चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी नाम डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो नाम नहीं भी डाल सकते, तो आपका क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब चलेंगे आगे के क्वेश्चन पर। दिव्यांग की आवश्यकता, दिव्यांग की क्या क्या आवश्यकता होती है, देखिए अपन इस पहली में देखेंगे। देखिए, परिवार से स्नेह, शिक्षा संबंधी आवश्यकता, दिव्यांग उपकरण, मित्रों का साथ, व्यायाम एवं खेल। देखो, परिवार से स्नेह, अधिक स्नेह की आवश्यकता होती है। शिक्षा संबंधी आवश्यकता, सोहन को विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने भेजना होगा। ठीक है ना, दिव्यांग उपकरण, बैसाखी, छड़ी, ये सभी उनके उपकरण होते हैं जो उनके पास रहते हैं। मित्रों का साथ, मधुरता, मित्रता, परोपकारी सहयोग, ये सभी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला ले गया खेल वगैरह, शरीर की क्षमता के अनुरूप जैसे कैरम, शतरंज इत्यादि, ये सभी अपन खेल खेल सकते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, दिव्यांग व्यक्ति से बात करके आपको उनकी क्या कठिनाई समझ आई है, बताइए। तो देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों से बात करने के हमें अनेक कठिनाइयाँ, परेशानियाँ समझ आती हैं कि जिन लोगों को दिखाई नहीं देता भगवान उनके साथ ऐसा क्यों करता है। ठीक है ना, ऐसे देखेंगे लोगों की दिव्यांग क्यों बनाया है, ऐसा लगता है कि जो दिव्यांग पैरों से चल नहीं सकते भगवान उनकी सहायता करे, ऐसा लगता है अत्यधिक परेश होने पर हमें दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करना चाहिए, यह बात हमें समझ में आती है। तो इस तरह अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलेंगे अपन। अगला है अपना, दिव्यांग की कठिनाई सुनकर आप उनकी परेशानियां दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। तो देखिए, अपन निम्न मदद करेंगे, जैसे दिव्यांग की कठिनाई सुनकर हम उनकी मदद पढ़ाई में कर सकते हैं, कार्यों में करना, जैसे विद्यालय की सीढ़ियों से दिव्यांग को नीचे उतरना, और भी बहुत कुछ है। जैसे उनको यदि पढ़ाई में कठिनाई हो रही है तो उनको परेशानियों से सुनना, सड़क पार करने में उनकी मदद करना, इस तरह उन्हें कार्यों में सहयोग करके हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो आप भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है किसी की मदद करने में, तो हमें सभी की मदद करनी चाहिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, किसी बड़े की मदद से जानकर शिक्षक की दिव्यांग की सभी परेशानियों को दूर करेंगे, कैसे करेंगे। तो अपन लिखेंगे इस तरह करेंगे, दिव्यांग की परेशानियों को हम दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि दिव्यांग व्यक्तियों की संचार, जरूरतमंदों की पूर्ति, सूचना सेवा तथा सार्वजनिक दस्तावेज को आसान बनाकर की जा सकती है, दृष्टि विकलांग को सूचना प्रदान करके के लिए ब्रेल, ट्रेप, सर्विस, प्रिंट तथा उचित तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह अपन इनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए, अपने मोहल्ले में 10 व्यक्तियों की व्यवसाय नौकरी के बारे में अपन को जानकारी प्रदान करना है, जो को अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इस तरह अपन 10 लोगों के बारे में किसी भी लगे देंगे व्यवसाय का नाम, जैसे मछली पालन, दूध बेचना, सब्जी बेचना, पापड़ उद्योग, कपड़ा सिलना, खिलौना, होटल, तो यहाँ पर अपन 7 देखेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह मछली बेचना, आय प्राप्त होना, बीमारियाँ आना, ये दूध बेचना वगैरह वगैरह, इस तरह अपन सभी के सभी प्राप्त लिख लेंगे। तो अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना या वीडियो को प्रॉस कर लेना, तो आप अच्छे से
लिख सकोगे। अगले के उद्योग हैं होटल, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, इस तरह अपन इनको लिख सकते हैं। और जो उनकी कमियां हैं वो इस तरह ली गई है, स्रोत क्या है, आय प्राप्त करना, सभी से आय प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह अपन इसको लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा व्यवसाय नौकरी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई और क्यों? देखिए, शिक्षक, शिक्षक की नौकरी अच्छी लगती है, लोगों को शिक्षा प्रदान करना हमें अच्छा लगता है। कौन सा नौकरी पसंद आई आपको? शिक्षक की, क्योंकि शिक्षक सभी को अपनी शिक्षा प्रदान करता है। अगला देखिए, पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आपको कौन सा विषय चुनना होगा? देखिए, नौकरी को प्राप्त करने के लिए हमें व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करना होगा, जैसे शिक्षक बनने के लिए डीएड बीएड करना होगा। क्या करना होगा शिक्षक बनने के लिए? डीएड या बीएड, इन दोनों में से एक डिग्री करनी जरूरी होती है, ठीक है। अगला है, इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषताएं बताएं। तो देखिए क्या लिखे हैं, इस प्रोजेक्ट से हम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं? देखो, व्यवसाय एवं नौकरी दोनों को करने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है। व्यवसाय में नौकरी दोनों में जोखिम होता है, व्यवसाय एवं नौकरी से ही हम आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इस तरह अपन एक पूरी वर्कशीट हल कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं इस वर्कशीट की पीडीएफ डाउनलोड करना, तो आपको क्या करना है, मेरे टेलीग्राम चैनल है जीत फॉर यू को सर्च करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर नई मिल ज्वाइन होती है तो आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।